आज हम देख रहे हैं एज सुन एज का यूज करना नो सुनर देन के स्थान पर, कि जब भी हमको नो सुनर देन आएगा उसके स्थान पर एज सुन एज रखना है तो किस प्रकार रखेंगे। यूज एज सुन एज इन प्लेस ऑफ नो सुनर देन, तो एज सुन एज का यूज करना है नो सुनर देन के स्थान पर। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जहां पर भी सेंटेंस में नो सुनर देन दिया हुआ होगा उसके स्थान पर एज सुन एज रख देना है। दूसरा काम ये करना है कि डू डज डिड को हटाना है। पहला काम हो जाएगा जहां पर नो सुनर है वहां पर एज सुन एज रख देंगे। दूसरा काम डू डज डिड को हटाना है, तो डू को हटाने पर वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, और जब हम डज को हटाएंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस आई एस लगाएंगे, और जब डिड को हटाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तीसरा काम करना है देन के स्थान पर हमको कॉमा रखना चाहिए। देन के स्थान पर रख देंगे हम कॉमा। फॉर एग्जाम्पल नो सुनर डज सी रिटर्न देन आई शॉल इन्फॉर्म यू सेंटेंस आया है, इसको हमको चेंज करना है एज सुन एज से। तो पहला रूल ये हो जाएगा कि नो सुनर के स्थान पर एज सुन एज रखना चाहिए, तो यहाँ पर नो सुनर जहां पर आया हुआ है वहां पर हम रख देंगे एज सुन एस, पहला काम हो गया। दूसरा काम डू होगा तो डू को हटाना है, डज होगा तो डज को हटाना है, डिड होगा तो डिड को हटाना है। तो यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है डज, तो डज को हम जैसे हटाएंगे तो वर्ब में यस यस आई एस लगाना है, तो यहां से हम डज को हटा देंगे, लिखेंगे सी। फिर रिटर्न का डज को हटाने पर यस लग जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा रिटर्न्स। हमने पहला काम किया नो सुनर की जगह एस सुनर रख दिया, दूसरा काम ये किया कि डू डज डिड में से डज आया था तो हमने डज को हटा दिया, फिर उसके पश्चात सेंटेंस जैसे का वैसा लिखा, रिटर्न में हमने फिर से यस लगा दिया। तीसरा रूल से कहता है कि देन के स्थान पर कॉमा रखना है, तो हमने यहां तक रिटर्न सब कर लिया, उसके बाद आ रहा है देन, तो जैसे ही देन आ रहा है तो देन के स्थान पर हम रख देंगे कॉमा, या रिटर्न के बाद में आ जाएगा कॉमा, फिर उसके बाद में जैसे का वैसा लिखना है आई शॉल इन्फॉर्म यू। तो एक सेंटेंस देखा हमने जिसमें हमने तीनों रूल्स क्लियर किए। पहला रूल से क्लियर किया कि नो सुनर के स्थान पर एज सुन एज रखा, फिर डू डज डिड में से जो भी आएगा उसको हटाया, तो हमारे पास में आया था डज तो हमने डज को हटाया, फिर डज को हटाने के बाद में वर्ब में हमने यस लगाया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाया। फिर उसके पश्चात तीसरा रूल देखा हमने कि जहां पर हमको देन दिखाई दिया उसके स्थान पर हमने कॉमा रखा। फर्स्ट सेंटेंस देख लिया हमने जिसमें डज आया हुआ था, और उसको सेंटेंस में नो सुनर था और डज था तो उसको कैसे रिप्लेस किया। अब बाकी के सेंटेंस यदि आते हैं और उसमें डिड भी होता है डू भी होता है तो उसको हम कैसा रिप्लेस करेंगे देखेंगे। कि पहला काम तो आपको वही करना है, नो सुनर के स्थान पर एज सुन एज रख लेना है, फिर डज होगा डू होगा डिड होगा इन तीनों को हटा देना है। डू को हटाने पर वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है, डज को हटाने पर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस लगाना है, डिड को हटाने पर वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है, और देन के स्थान पर कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आया हुआ है हमारे पास, नो सुनर डिड द डॉग कम नियर देन आई हिट इट। तो जहां पर नो सुनर दिया हुआ है उसके स्थान पर हम रख देंगे एस सुन एस। उसके बाद में पहला काम हो गया, पहला रूल्स हो गया, जहां पर नो सुनर दिखा वहां पर हमने एस सुन एस रख दिया। अब हम डिड को हटा देंगे, जैसे डिड को हटाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पहले तो जैसे का सब्जेक्ट लिख लेंगे द, फिर डॉग, अब कम का हो जाएगा केम क्योंकि हमने डिड हटाया, फिर उसके बाद लिखेंगे हम नियर, फिर देन के स्थान पे आ जाएगा कॉमा आई हिट इट। तो जैसे ही द डॉग यानी कुत्ता कम नियर यानी पास आया, आई हिट इट यानी मैंने मारा, तो हमारा जो सेंटेंस बन गया एज सुन एज द डॉग कम नियर कॉमा आई हिट इट, ये सेंटेंस हुआ जिसमें डिड आया। अब यदि डू आता है और नो सुनर भी आता है और एज सुन एज से उसको हमको रिप्लेस करना है तो हम किस प्रकार रिप्लेस करेंगे। नो सुनर डू वी कम देयर देन यू शुड मीट अस, जो ही हम आते हैं वहां देन यू शुड मीट अस, आपको हमसे मिलना चाहिए। तो नो सुनर का आ जाएगा एस सुन एस।
तो हमने नो सोनार की जगह पे एस सुन एस रख लिया, फिर उसके पश्चात हमको दिखाई दिया है डू, तो इस डू को हटाएंगे। नियम में कहता है कि नो सोनार के स्थान पर एस सुन एस रखेंगे, फिर डू को हटाएंगे। डू को हटाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जैसे का ऐसा वी, फिर कम, फिर उसके बाद में देयर, हाँ फिर उसके बाद में हमको रखना है कॉमा, क्योंकि हमने डिड को हटाया था तो वर्ब का यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म किया था, कम का कर दिया था केम, लेकिन अभी डू को हटा रहे हैं तो डू को हटाने पर वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो देयर लिखा, अब अगला नियम देन के स्थान पर लगा देंगे कॉमा, यू शुड इट मीट अस, सेंटेंस बन गया हमारा एज सून एज वी कम देयर कॉमा यू शुड मीट अस। तो तीनों प्रकार के हमने सेंटेंस देख लिए जिसमें डू डस और डिड आते। पहला काम आपको ये करना है कि जैसे ही नो सुनर दिखाई दे उसके स्थान पर एज सून एज रख लेना है। दूसरा काम ये करना है डू डस डिड को हटाना है, यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। तीसरा काम ये करना है कि देन के स्थान पर हमको कॉमा लगाना है। तो तीन ही काम करना है। यदि आपको नो सुनर देन सेंटेंस में आया और उसके स्थान पर एज सून एज रखना है तो पहला काम नो सुनर के स्थान पर एज सून एज, दूसरा काम सेंटेंस में डू डस डिड होगा उसको हटा देना है यानी अफर्मेटिव बनाना है। तो डू को हटाने पर कोई चेंजेस नहीं होगा, डज को हटाने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस लगेगा, डिड को हटाने पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में देन के स्थान पर कॉमा रखना है और बाकी का सेंटेंस जैसे का वैसा रखना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स करके बता दिए, जहाँ पर नो सुनर रहेगा उसके स्थान पर एस सुनर रखना है, डू डज डिड को हटाना है यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। पहला सेंटेंस है नो सुनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज गोज आउट, इसको आपको एस सुनर से रिप्लेस करना है। दूसरा सेंटेंस है नो सुनर डिड राम टच द स्टोन देन इट टर्नड इन टू अ उमे। तीसरा सेंटेंस है No sooner does mother go to market then we start playing। अगला सेंटेंस है No sooner are you called then you should come in। तो इसमें से मैंने do does did बताया नहीं, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। पहला काम तो ये करना है कि No sooner के स्थान पर as soon as रख देंगे, दूसरा सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। do does did आएगा तो इनको हटाना है, यदि सेंटेंस में to be आती है जैसे यहाँ पर to be helping verb आई है तो इसको सब्जेक्ट के बाद में रखना है। तो याद रखना है पहला काम करेंगे नो सुनर के स्थान पर एस सुन एस रखेंगे, दूसरा काम सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है यानी टू बी होगी तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, डू डज डिड को हटा देंगे, उसके बाद में देन के स्थान पर रखना है हमको कॉमा। ये चारों सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि किस प्रकार एस सुन एस रखने पर ये सेंटेंस बनते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कमेंट्स एंड शेयर करें।